हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मैं मार्केट क्यों जा रही हूँ, क्योंकि आज जो सुबह ब्लॉग गया था कपड़ों का, हमारी शॉपिंग का, तो उसमें जो है मैंने गुलफ्सा की ड्रेस दिखाई थी जो हमने दिलाई है गुलफ्सा को। तो वो ड्रेस जो है सिर्फ 10-12 लोगों को ही पसंद आई है, वरना सारे बाकी जो भी व्यूअर्स हैं सबको पसंद नहीं आई है, बोल रहे हैं ओल्ड फैशन है, अच्छी नहीं लग रही है। तो इसीलिए जो है गुलफ्सा का भी मन खराब हो गया, बोल रही है कि जब किसी को अच्छी नहीं लग रही है तो जब मैं पहनूंगी तो उस टाइम पर भी अच्छी नहीं लगेगी और फिर से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इसलिए गुलफ्सा ने डिसाइड किया है कि उसको चेंज करके आना है, और काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि इसको चेंज कर दो। तो और जो 3 पीस वाली ड्रेस दिखाई थी वो वाली सभी को पसंद आ रही है, तो और गुलफ्सा को भी पसंद आ रही थी, लेकिन गुलफ्सा का पता नहीं अचानक से कैसे मन चेंज हो गया, तो ये गाउन ले ली उसने। तो बस हमने अभी हम लोग जा रहे हैं, तो चेंज करके आते हैं ड्रेस, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी घर पर हम आ गए हैं, थोड़े से टाइम हो गया है, 15-20 मिनट हो गए हैं शायद, क्योंकि इनाया को मैंने सुलाया है आते ही, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम मार्केट में। लेट इसलिए हुई थी क्योंकि हमारी जो बाइक है जिससे हम गए थे तो वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो पानी की वजह से, मतलब ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई है, हल्की बारिश हुई, लेकिन पता नहीं क्यों चलते चलते ही वो बंद हो गई थी। तो फिर उसको सही कराया, फिर उसमें आधा घंटा लग गया, तो बस इसी वजह से हम जो है आधा घंटा लेट होकर चले थे। और फिर जो है वहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग गया शॉप पर, क्योंकि जब हम कपड़े पहली बार खरीदते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन दूसरी बार जब जाते हैं ना चेंज वगैरह करने तो दिमाग बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और फिर ये भी है कि अगर हम खुद खरीदते हैं तो अपनी पसंद के फटाफट से ले सकते हैं, लेकिन हम अगर किसी और को दिलाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ और चलता है और उस सामने वाले का कुछ और चलता है। तो इसलिए गुलाब साहब कुछ सोच रही थी, मैं कुछ सोच रही थी, तो इस वजह से जो है। लेकिन हाँ, जो आप लोगों ने बोला था कि वो 3 पीस वाली जो ड्रेस है वो लेकर आना, तो ये फुंसी सी हो गई, तो वही लेकर आए। एक तो वही लेकर आए क्योंकि जो रेंज थी उसकी 2000 रुपये, तो उसमें से जो है 2 ड्रेस आई हैं, क्योंकि कुछ शॉप वालों की ये पॉलिसी रहती है कि अगर हम चेंज करते हैं तो ड्रेस के बदले ड्रेस ही देते हैं, तो इसलिए हमको जो है उसके बदले कपड़े ही लेना पड़े हैं। तो वहाँ पर पसंद नहीं आए, मतलब एक ड्रेस वहाँ से ले ली थी, फिर उसमें तो वो हो नहीं रहा था पूरा पेमेंट, तो फिर उसी दुकान वाले की जो है रहता है ना एक दूसरे से ज्वाइंट शॉप, तो फिर उन्हें दूसरी वाली शॉप पर भेजा, तो वो शोरूम पे गए, फिर वहाँ से एक लिया, फिर भी जो है 200-250 रुपये जो है बच रहे थे, तो फिर वो भैया ने वापस कर दिए, बोलने लगे चलो आपने मतलब 2 ड्रेस तो ली है तो इतना तो बनता ही है। तो इस तरीके से 2 ड्रेस ली है गुलाब साहब, मतलब 2 हो गई है, एक पूरी ड्रेस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे जो है लेगिंग वगैरह या कुछ भी लेना था, तो मतलब सब बोल रही थी इस कलर की मुझ पर है तो ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए उसकी टॉप ही टॉप लिए। मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी, आप लोगों को बता दूंगी। अभी मैं फिलहाल बना रही हूँ चाउमीन, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मन कर रहा था चाउमीन खाने का, गुलफ्सा भी बोल रही थी, और आज मन ने किया कि बाहर खाएं, क्योंकि 2 दिन से जो है मतलब 2 दिन से नहीं, सॉरी कल खाया है, और उस दिन हम नया ले कपड़े लेने गए तो उस दिन भी हमने बाहर ही खाया था, तो इसलिए आज मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं खा रहे, क्योंकि बरसात का टाइम है तो ज़्यादा बाहर खाना अच्छा भी नहीं है, आप लोग भी बोलते हैं कि बाहर बहुत खाती हो आप, तो इसीलिए आज घर पे बना रहे हैं। तो गुलफ्सा का बहुत मन था चाउमीन खाने का, तो इसलिए मैंने सोचा चलो खाना वगैरह खाएंगे उससे ठीक है चाउमीन बना लेते हैं। तो बस ये मैं चाउमीन बॉयल होने रखूँगा मैंने, और पत्ता गोभी और प्याज मैंने काट के रख ली है, तो बस अभी बनाना शुरू करती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी सी, अब किचन में से काफ़ी टाइम से बात भी नहीं की है, तो आज किचन में से बात कर रही हूँ, और आंखें लाल इसलिए हो रही क्योंकि प्याज काट रही थी तो आंसू आ रहे थे। तो बस अभी चावल बना लेते हैं, फिर आप लोगों को ड्रेस दिखाते हैं, पहले चाउमीन दिखाएंगे कैसी बन रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि इससे रेसिपी शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं रेसिपी से शेयर नहीं कर रही हूँ। हाँ, पर थोड़ा बहुत बता दूंगी, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि मैं रेसिपी बताऊँ फुल तरीके से, क्योंकि काफ़ी रात भी हो रही है और भूख भी लगी है। तो जब भूख लगती है ना तो ऐसा लगता है ना कि जल्दी जल्दी बना लो फटाफट से और खा लो, तो बस मैं ये बना लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये चाउमीन जो है बॉईल हो रही है, इसमें पहले मैंने पानी रख दिया था, फिर जब ये पानी में उबाल आ गया था उसके बाद चाउमीन डाली है इसमें, नमक डाला है मैंने और ऑयल डाला है, तो बस ये अभी उबल जाएंगी। और अब मैं दूसरी कढ़ाई रखने वाली हूँ, तो उसमें जो है ये प्याज और पत्ता गोभी फ्राई कर लेती हूँ जब तक कि, क्योंकि चाउमीन तो उबलने ही वाली है तो जल्दी हो जाएगा।
तो अभी मैंने प्याज और पत्ता गोभी और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च डाली, इससे मुझे जो है टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं हरी मिर्च डालती हूँ। और ये काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ चाउमीन, तो ये सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली हैं, तो बस ऐसे ही इसको फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सॉफ्ट हो जाए पत्ता गोभी बस उतना ही। और अब मैं डालने वाली इसमें सॉसेस, जैसे ये ग्रीन चिली सॉस है, और ये सोया सॉस है, ये रेड चिली सॉस है, और ये विनेगर। तो विनेगर जो है बिल्कुल थोड़ा सा डालते हैं, और टमाटर सॉस भी मैं इसमें डाल दूंगी, लेकिन ऊपर से अगर वो डाला तो। और ये मेरे पास अमूल की जो है चीज़ रखा था, तो ऐसे ही रखा है, मतलब खाया नहीं है, तो फिर मैं सोच रही चाउमीन के ऊपर डाल कर खा लेंगे, अच्छा लगेगा। तो ये मैंने 2 टिक्कियाँ डाल निकाल कर रखी, वैसे और भी रखा है। ये वाला पैकेट लाए थे आलिया के लिए टिफिन के लिए, लेकिन आलिया को पसंद नहीं आया है, तो इसलिए अब हम लोग ही इसको फिनिश कर लेंगे। तो बस अभी मैं इसमें सॉस डाल देती हूँ, फिर चाउमीन डाल देती हूँ। देखो चाउमीन मैंने इसको धोकर रखा है, चाउमीन को ये इस तरीके से बॉल हो जाती है, बॉइल हो जाती है ना, तो फिर इनको धोकर रख देते हैं इस तरीके से, तो ये अलग अलग रहती है। तो सभी सभी चीज़ डाल के इसमें मिक्स कर देते हैं। तो चाउमीन हमने खा लिए है, वो बहुत ही जो है अच्छी बनी थी, टेस्टी, यमी, इनको भी पसंद आई, गुलाबसा को भी पसंद आई। तो बस अब मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं गुलाबसा की ड्रेस दिखा देती हूँ, तो पहले मैं दिखाती हूँ गुलाबसा की ड्रेस। और मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ तो इनाया सोचती हूँ मम्मा क्या कर रही हैं, मुझे ले ले, तो बस अभी वो खेल रही हैं। और गुलाबसा की ड्रेस दिखाती हूँ, उससे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मैं इसी ब्लॉग में जो है आपके कुछ कमेंट की रिप्लाई करूंगी, और जो नाम लेना है काफी टाइम से, मतलब है जब हम झांसी गए थे उस टाइम से मैं आप लोगों का कमेंट जो है सेव कर रही थी, सोच रही थी मैं अब दूंगी, लेकिन नहीं दे पाई थी, सॉरी। और फिर मैं ये भी सोच रही थी कि मैं मिस्टर अली ब्लॉग के लिए जो शूट कर लूंगी, फिर उसमें आप लोगों की रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ व्यूअर्स जो है उस चैनल पे नहीं जाते हैं, और वो मेरा यही वाला चैनल देखते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि मैंने आपका रिप्लाई नहीं किया है, तो मैंने इस बार सोचा कि चलो मैं इसी वाले चैनल पे जो है आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ, और जो नाम है इसी वाले चैनल पे ही ले देती हूँ इस वाले ब्लॉग में। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ गुलाबसा की ड्रेस, और फिर उसके बाद बात करते हैं, आप लोगों के नाम लेते हैं, जो भी बर्थडे वगैरह विश करनी है वो भी करते हैं। तो पहले ड्रेस देख लेते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को गुलाबसा के कपड़े जो लेकर आए हैं ड्रेस हैं। तो पहले तो एक ही गाउन थी, लेकिन अब दो दो हो गए हैं, क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा थी, तो इसलिए उसमें से ये दो आए हैं और कुछ पैसे भी बचे हैं। तो जैसे कि बताया था, आप लोगों ने भी बोला था 3 पीस वाले ड्रेस दिलाएं, तो गुलफ़सा को भी पहले पसंद आ रही थी, तो फिर मैंने बोला ना कि सभी लोग बोल रहे हैं, और गुलफ़सा ने भी कमेंट पढ़े थे, तो वो भी बोली हाँ मैं यही लूँगी। तो वो 3 पीस वाला, ये मेहरून वाला लेकर आई है, और बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो अभी तो उसने खैर ट्राई करके नहीं देखा, लेकिन वो कह रही बहुत अच्छा लगेगा। तो ये ऊपर से इसके ये टॉप है अंदर, और एक ऊपर से इस तरीके से ये पहनने की है, तो इसको क्या बोलते हैं तो मुझे नहीं पता है, 3 पीस ड्रेस बोल रहे थे वो। तो बस ये इस तरीके से है, लॉन्ग है नीचे तक, और इसका ये पैंट है, इसका ये बेल्ट जो है अच्छा लग रहा है, क्योंकि चौड़ा बेल्ट है तो अच्छा लगता है चौड़ा बेल्ट पहनने में, और ये इस तरीके का है, और इसका जो मटेरियल है अच्छा है, सॉफ्ट है बिल्कुल, हम इसको मतलब कैसे भी पहन सकते हैं, बहुत इजीली पहनने में आ जाएगा। तो एक ड्रेस तो ये हो गई है, और दूसरी है, तो दूसरी सिर्फ फ्रॉक ही फ्रॉक है, इसकी लेगिंग वगैरह नहीं ली है गुलफ़सा ने, क्योंकि उस पर है ब्लैक कलर की, तो बोल रही थी मुझ पर है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये फ्रॉक है, जैसे औरे भी फ्रॉक होती है उस तरीके की है ये, लेकिन कपड़ा ये दूसरा है, सॉफ्ट वाला कपड़ा है जो आजकल चल रहा है लड़कियों के कपड़ों, मतलब ड्रेसों में कपड़ा वही कपड़ा है, और ऊपर से ये जैकेट है जो पहनने पे बहुत अच्छा लुक आ रहा था। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह की लग रही थी ये, तो इसको मैं लगा देती हूँ ऊपर की साइड। तो ये है गुलफ़सा की ड्रेस, अच्छी लग रही है ना, गुलफ़सा ने जब पहन के ट्राई करके बताई थी ना, तो गुलफ़सा बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसीलिए गुलफ़सा ने ये ली है।
और ये हमने दूसरी शॉप से ली है क्योंकि उस शॉप पर नहीं थी, तो उन्हीं के मतलब शॉपों में रहता होगा, कांटेक्ट वगैरह रखते हैं कि अगर इस पे कोई ड्रेस वगैरह नहीं मिले तो दूसरी पे जा सकते हैं। तो ये हमने जिस पे से फ्रॉक ली थी उस पे से लेकर आए थे, और फिर इस दूसरे पे से ये, और इसकी जो प्राइस है 890 रुपये है इसकी प्राइस। और ये वाली जो ड्रेस है इसका टैग तो जो है भैया ने निकाल दिया था, लेकिन इसकी प्राइस थी 1010 रुपये, लेकिन ये दी है हमको 700 रुपये में। तो ये दोनों ड्रेसें आ गई हैं। तो ये थी गुलाबसा की ड्रेस। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप गुलाबसा की ड्रेस कैसी आई हैं। और अब मैं आप लोगों को पहले नाम लेती हूँ, जो भी मैं इतने दिनों से कर रही थी, सेव करती जा रही थी, लेकिन काफ़ी सारे नाम हुए, कोई बात नहीं है। तो नाम है रेशमा बानो, अंचल कागरा, रिया साफ़ी, प्रीति महावर, बिलाल बिलाल, और ये है पठान, रुमाना, समीर खान, एस आर के, और इल्मा, वंश, कोमल, संसार गुप्ता, विवेक, सायरा, तारिफ, अब्दुल, खलीक, शहनाज बेगम, जिया भट्ट, नीसा नाज, और ये है 4 साल के हैं मोहम्मद मकदीर, सलमा खान। तो ये थे नाम। और अब बर्थडे विश करना है तो सॉरी ना, जो है बर्थडे तो निकल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब विश कर देती हूँ। तो आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे अरीबा, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे आयशा शेख, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सबा खान। तो ये थे बर्थडे विश करना था जिनके। और अब मैं कुछ कमेंट के जो है रिप्लाई कर देती हूँ इसी में, तो आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई भी मिल जाएंगे। तो पहले मैं निकाल लूँ कमेंट क्योंकि इस वाले मोबाइल में है। इनाया रहमान ने पूछा है कि आपके यहाँ सिंपल सूट की सिलाई की कितने रुपए लगते हैं। तो वैसे अगर मार्केट में टेलर से सिलवाएं तो सिंपल सूट के 250 रुपये है, लेकिन हम लोग सिलवाते हैं कॉलोनी की एक लड़की से, तो वो लेती है 100 रुपये। तो इस तरीके से हम जो है थोड़े से कम पैसों में सिलवा लेते हैं, लेकिन कपड़े अच्छे सिलती हैं। जैसे मैं पहने हूँ ये सूट, उन्हीं ने सिला है, जो भी सूट है वो सब वही सिलती हैं। और तो निशा खान ने पूछा है कि आपकी कास्ट क्या है आसपापी। तो हम वैसे तो मतलब अगर मैं अपने मायके की तरफ से बोलूँ तो हम मिर्जा हैं, और ससुराल वाले हैं वो अली है, यानी कि सैयद, तो वो सैयद हैं। मतलब अब मैं सैयद हो गई हूँ, पहले मैं मिर्जा थी, अब सैयद हूँ। तो तराना फिरदौस ने पूछा है कि आसपा मेरी बात का जवाब दीजिए, इनाया कितने मंथ की है। तो इनाया अब 22 अगस्त को जो है 1 साल की हो जाएगी पूरी, उसका बर्थडे है 22 अगस्त को। तो अमन खान ने बोला है कि मतलब उस टाइम पर झांसी में थे जब आया था शायद ये वाला कमेंट, तो उन्होंने बोला है कि अभी आप इनाया को कैप पहनाया करो, अच्छा लगता है। तो कैप मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, इनाया जो है बिल्कुल कैप वगैरह कुछ भी नहीं लगाती है। मैं उसको गूगल लगा दूं, कैप लगा दूं, या उसको सूज पहना दूं, इन तीनों चीज़ों में से वो कुछ भी नहीं लगाना पसंद करती है, तो बस इसी वजह से मैं नहीं लगा पाती हूँ। तौफीक खान ने पूछा है, वालेकुम अस्सलाम, आपने इन्नू और भैया के लिए कुछ भी नहीं मतलब लिया लिखना चाह रहे थे, लेकिन किया लिखा है, ऐसा क्यों। तो ये मतलब वाली बात बोल रहे हैं जब हम झांसी में विशाल वी-मार्ट में गए थे ना, तो जब की बात बोल रहे हैं शायद, क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। तो ऐसा था कि इन्होंने तो जो है टी शर्ट ली थी, और टी शर्ट वो उस टाइप पर पहने हुए थे, तो इसलिए मैंने नहीं बता पाई थी। और रही बात इनाया के लिए, तो इनाया के लिए मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था वहां पर, इसलिए मैंने इनाया के लिए कपड़े नहीं लिए थे, और इसलिए आप लोग पूछ रहे हैं, मतलब आपने पूछा ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए नहीं ले पाए थे। क्योंकि ऐसा होता है ना, हमें जो चीज़ पसंद आती है हम वही चीज़ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इस बच्चे के लिए ले लिया, उस बच्चे के लिए नहीं लिया, तो इसीलिए। और ये बोल रहे हैं समीर कुरैसी,
पर आप अगर थोड़े खाने पर नियाज लगवाती तो ज्यादा अच्छा होता। तो समीर कुरैशी जी, ऐसा है कि हमने जो है खाना बनाया था उस पर तो फातिया नहीं लगवाई थी, लेकिन हमने वहां से पास से मिठाई लेकर फातिया लगवाई थी, क्योंकि खाना तो ये ना हम उसमें रख कर लाए थे गाड़ी में, और पानी भी जो है साफ पाक नहीं लिया था, ऐसा ही ले लिया था, तो इसलिए नहीं लगवाई थी। और हमने जो है वहां से ही मिठाई ले ली थी पास में से, उस पर फाते लगवा दी थी। आलिया की ड्रेस कहाँ से लिया, बहुत अच्छा है। तो ये वाली ड्रेस के लिए कमेंट है, जो ड्रेस वो हम झांसी से आते हुए पहनाता है, ये पूजा है शबनम मलिक ने, तो वो ड्रेस जो है इनाया की थी। एक कमेंट आया भी था शायद ये ड्रेस इनाया की है, तो हाँ वो ड्रेस जो है इनाया की थी, क्योंकि इनाया के वो बड़ी थी, स्कर्ट टॉप है तो वो बड़ी थी, और मैंने जब आलिया को पहना कर देखा तो आलिया पे अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने आलिया को पहना दिया था। और वो ड्रेस हमने यहीं से ली थी ईद के टाइम पर, आपने अगर ईद वाले जो ब्लॉग देखे हो मेरे शॉपिंग के, तो उसमें वो वाली ड्रेस है। और ये पूजा देशमुख ने पूछा है कि आसपास जी वो दूल्हा भाई की डेथ कैसे हुई हुई है हो गई है। तो उनकी डेथ हुई है कैंसर की वजह से, तो उनको कैंसर हो गया था इसलिए उनका इंतकाल हो गया था, और मेरी शादी से शायद 1 आध साल पहले ही हुआ है उनका इंतकाल। उनके दो बेटे हैं, उनकी जेठानी है, वहीं पास में अपने मायके के साइड रहती हैं उनकी जेठानी। ये भी कमेंट आया था कि उनकी जेठानी कहाँ रहती हैं, और उनके दो बेटे भी हैं। तो सामी उद्दीन ने पूछा था कि आप कुर्बानी का ब्लॉग जरूर बनाएं और कुर्बानी का जानवर जरूर दिखाएं। तो इसका आंसर तो जो है आप लोगों को मिल ही गया हो, क्योंकि जानवर तो हमने दिखा दिया है। आपको जब बकरा ईद आएगी तो हम आप लोगों को ब्लॉग जरूर शेयर करेंगे आपका। और जे कायरा मधुकर ने पूछा है कि बाजी वो चश्मे वाली लड़की कौन चश्मे वाली लड़की मेरी बहन है, वो जो है मेरी छोटी सिस्टर है, सवाना से छोटी, तीसरे नंबर की बहन है मेरी, तो वो मेरे पास अभी रहने आई है। और उन्होंने ये भी कहा था, बाजी आज मेरा बर्थडे है, तो आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और ये पूछा है नुमान खान ने कि बुलबुल का बर्थडे कब है, तो बुलबुल का बर्थडे है 17 अगस्त को। और उन्होंने ये भी पूछा है कि प्लीज बताइए आपकी सासू माँ का एक्सीडेंट हुआ था, तो आपके मायके से आपके मम्मी पापा देखने क्यों नहीं आए थे। तो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि आपको पता है मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब चल रही है, और उस टाइम पर बहुत खराब थी उनकी तबीयत, अभी भी है लेकिन अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन इतनी ठीक नहीं है कि ट्रेवल वगैरह कर सके। और मम्मी पापा इसीलिए नहीं आए थे क्योंकि उस टाइम पर उनको ग्वालियर हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में उनको जो है दवा वगैरह लेना आना पड़ रहा था, और 2-3 दिन की दवाई देते हैं डॉक्टर, और फिर उनको वापस से फिर चेकअप वगैरह कराना जाना पड़ता है, और मतलब उनकी बहुत हालत खराब ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि वो बैठ भी नहीं पाती हैं, लेटी ही रहती हैं, जब अगर उनको थोड़ा बहुत काम होता है तो ही वो बैठती हैं, तो इसलिए उस टाइम पे बहुत हालत खराब थी, इसलिए वो घर से कोई नहीं आया था, सिर्फ फोन पे बात कर ली थी। और फिर वो पापा जी आ भी रहे थे मेरे पापा, लेकिन हमारे ससुर जी हैं उनने मना कर दिया था कि नहीं उनकी तबीयत खराब है तो तुम बताओ मत परेशान हो। तो आज मैं इतने ही कमेंट मैंने लिए हैं अपने ब्लॉग में, और आगे थोड़े बहुत कमेंट जो है और है तो मैं उनको नेक्स्ट ब्लॉग में ले लूंगी। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट हो गए हैं, नाम भी हो गए हैं, तो आप लोगों को अपने कमेंट के रिप्लाई मिल गए होंगे। तो अगर आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल बटन क्लिक जरूर करें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।